अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पिछली वीडियो में हमने यहाँ पे मार्केट तक डिस्कस कर लिया था। अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे ऐप्स एंड सेल्स चैनल। तो इसको हमने डिस्कस बेसिकली कर लिया था। यहाँ पे वो वाली चीज़ें सारी शो हो रही होंगी जो हमने अपने स्टोर में ऐड कर दिया, यानी कि जो ऐप्स हमने ऐड कर दी हैं वो यहाँ पे शो हो रही होंगी, और जो हमने सेल्स चैनल्स ऐड किए हैं वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे। लाइक अब मैं इस सेल चैनल को यहाँ से रिमूव करना चाहता हूँ, तो हम यहाँ से आकर उसको डिलीट करेंगे। और लाइक अगर मैं किसी और को भी यहाँ से ईमेल वाले को भी डिलीट करना चाहता हूँ, तो इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर लूँगा। तो ये सेल्स चैनल्स और ऐप्स को हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अब आ गई मेन बात डोमेन की। डोमेन आपकी अभी तो डोमेन ये चल रही है। अगर आपने डोमेन कोई न्यू बाय करनी है, तो आप यहाँ से शॉपिफाई से ही न्यू डोमेन बाय करके उसको यहाँ पे ही कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक आप कोई भी यहाँ पर डोमेन लेना चाहें, तो ये देखें आपको $15 में पर ईयर मिल सकती है यहाँ से ही डोमेन, और यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग डोमेन है, तो आप उसको कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप उस डोमेन को करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, अब यह अगर तो आपकी वो डोमेन गो डैडी पे है, तो आप उसको सिंपल यहाँ पे जो है वो गो डैडी को ऑप्शन आ जाता है कि लाइक कनेक्ट विद गो डैडी, तो आप वहाँ से उसको गो डैडी उस पर क्लिक करते हैं, और गो यानी कि फिर आपसे ये गो डैडी का लॉगिन मांगता है। आपको लॉगिन करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली गो डैडी की डोमेन से कनेक्ट हो जाता है। तो लाइक मैं इस पे वही डोमेन लिख के देख लेता हूँ जो पिछले स्टोर से कनेक्ट है, royalmart.com। तो इसको मैं नेक्स्ट करके देखता हूँ। तो जो भी डोमेन गो डैडी पे होगी, दो डोमेन इज़ ऑलरेडी कनेक्टेड टू एन अदर स्टोर, तो ये अदर स्टोर से कनेक्ट है। तो जो भी गो डैडी से आपने डोमेन बाय की होगी, उसका आपको यहाँ पे कनेक्ट विद गो डैडी का ऑप्शन मिलेगा। तो आप उसको सिंपली जो है ना टू स्टेप्स में आपकी वो डोमेन कनेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपने किसी और सर्वर से लाइक नेमचीप, ब्लू होस्ट, कहीं से भी और से डोमेन ली है, तो उसके लिए आपको अपने डोमेन के एडमिन में जाना होता है। तो मैं तो बेसिकली अब तक जितनी भी शॉपिफाई से डोमेन कनेक्ट की हैं, उनको मैंने गो डैडी से ही कनेक्ट किया है। लेकिन अगर आपने किसी तीसरी और किसी से यानी कि कनेक्ट करना है, तो उसके लिए आप YouTube पे सर्च करेंगे कि इसको कैसे कनेक्ट करना है। तो आपको एक प्रैक्टिकल मेथड YouTube पे मिल जाएगा कि शॉपिफाई से किसी और डोमेन को कैसे कनेक्ट करना है। अभी मैं यहाँ पे आपको कोई और डोमेन इसलिए नहीं कनेक्ट करके दिखा सकता, क्योंकि मेरे पास गो डैडी की ही डोमेन है जो कि ऑलरेडी कनेक्ट है, मैंने अभी आपको दिखाया। तो किसी और से यानी कि मैंने जगह से बाय नहीं की, लाइक नेमचीप से कोई डोमेन मेरे पास नहीं पड़ी जो मैं यहाँ पे आपको कनेक्ट करके दिखा सकूं उसके एडमिन से। तो इसका अभी मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने कहीं और से डोमेन कनेक्ट करनी है शॉपिफाई से, तो आपको 1000 वीडियोज़ मिलेंगी यूट्यूब पे। तो आप वो वहाँ से कोई वीडियो देखें, और आपको इजीली समझ लग जाएगी कि आपने किस तरह यहाँ पे डोमेन कनेक्ट करनी है। तो अभी यहाँ पे डोमेन का हमारा सिस्टम तकरीबन होपफुली कवर हो है कि आपने किस तरह बाय करनी है, कनेक्ट करनी है। अब ये कस्टमर इवेंट है, इसको छोड़ दें, इससे हमारा कोई काम नहीं, ब्रांड से भी हमारा कोई काम नहीं, नोटिफिकेशन से, मेटा फील्ड से कोई काम नहीं हमारा। फाइल्स में हमारी वो चीज़ें आ जाती हैं जो हमने अपल फाइल्स यानी कि ऐड की होती हैं, लाइक हमारे पास होती हैं, लाइक ये वाली जो फाइल्स हमारे पास हैं, ये सारी फाइल्स जब हम अपलोड करते हैं इमेजेस वगैरह, ये थीम्स वगैरह, तो थीम तो नहीं, ये इमेजेस वगैरह और इस टाइप की फाइल्स जो हैं वो हमें फाइल सेक्शन में मिलती हैं। यहाँ पे सारी फाइल्स हमारी यहाँ पे आ रही होती हैं, यहाँ से हम डिलीट, सेलेक्ट या एडिट हम उनको यहाँ पे कर सकते हैं मैनेज, ठीक हो गया। उसके बाद लैंग्वेज है, अगर आप अपने स्टोर को उर्दू लैंग्वेज भी देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप ऐड लैंग्वेज करके उर्दू लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर उसको आप डिफ़ॉल्ट कर देंगे, लाइक यहाँ पे आप उसको उर्दू को डिफ़ॉल्ट कर देंगे, तो आपका स्टोर जो है वो उर्दू में ही कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप उर्दू को ऐड कर देते हैं, तो उसको डिफ़ॉल्ट नहीं करते, तो उसको कस्टमर्स को ऑप्शन मिल जाता है कि वो उर्दू में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे लैंग्वेज के बाद है हमारी जो मेन बात है पॉलिसीज़ की। पॉलिसीज़ में आपने जो मेन चीज़ करनी है वो ये है कि आप यहाँ पे पॉलिसीज़ दे सकते हैं अपने कस्टमर को, पॉलिसी
एक्सिस के पेज यहाँ से ही सिंपली बना सकते हैं। तो वो आप इस तरह बनाएंगे कि यहाँ पे आपने क्रिएट टेम्पलेट जो है वो रिफंड पॉलिसी का आपका टेम्पलेट यहाँ से ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह प्राइवेसी पॉलिसी का आप क्रिएट टेम्पलेट कर सकते हैं, और ये भी आपका प्राइवेसी पॉलिसी का टेम्पलेट क्रिएट हो चुका। और यहाँ पे टर्म्स ऑफ सर्विस का आप यहाँ पे जो है टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं, वो आपका क्रिएट हो जाएगा। और शिपिंग पॉलिसी जो है ये आपको अपने शिपिंग लिहाज से लिखनी होगी, इसका आप टेम्पलेट क्रिएट नहीं कर सकेंगे। इसकी जो आपने शिपिंग है वो आपने खुद से लिखनी है कि आपका शिपिंग प्रोसीजर क्या है, आप कितने डेज में शिपिंग करते हैं, और क्या शिपिंग चार्जेस, ETC, शिपिंग के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे लिखकर और ये सब यहाँ पे सेव कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप, ये पहले नहीं होता था, अभी शॉपिफाई ने शायद न्यू निकाला है, तो आप इसको भी यहाँ पे ये कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड ऑन योर वेबसाइट इफ़ यू आर सेलिंग इन यूरोपियन कंट्री, क्योंकि हमने यूरोपियन मार्केट, यूनाइटेड स्टेट वाली मार्केट ऐड की थी, तो उसकी वजह से ये आ रहा है कि आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप ये दे सकते हैं कि ये हमारे स्टोर का नेम है, या ये ईमेल है, ये एड्रेस है, और ट्रेड नंबर जो है वो आप यहाँ पे लगाएंगे, और VAT जो नंबर है वो वैल्यू एडेड टैक्स इसको मेरा ख्याल है कहते हैं, तो वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे। फिज़िकल एड्रेस पाकिस्तान है, या एड्रेस आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। तो ये आप ये करके आप यहाँ पे इसको सेव कर देंगे, ठीक हो गया। तो ये आपकी पॉलिसीज क्रिएट हो जाएंगी। तो अब इस वीडियो में हम हमारी जो है ये सेटिंग्स सारी डिस्कस हो चुकी हैं, ये वाली सेटिंग्स। होपफुली आपको इन सब सेटिंग्स की समझ आ चुकी होगी। तो बाकी आप, अब हम नेक्स्ट सेशन में जो करेंगे वो हम ये वाली चीज़ें कवर करेंगे। उसके बाद हम एक प्रॉपर स्टोर क्रिएट करेंगे, लाइक इसी स्टोर को एक बार विजिट करते हैं, इसको ही हम एक बार सेटअप करने की कोशिश करेंगे। ये मैंने स्टोर का नाम ऐसे रैंडम दे दिया, इन चीज़ों को हम सेटअप करने की कोशिश करेंगे। ये प्रोडक्ट्स आ गई, ये वीडियो आ गई, और ये चीज़ें, और उसके बाद हम एक स्टोर फ्रॉम स्क्रैच क्रिएट करेंगे, ताकि आपको हर चीज़ का पता चल सके कि एक प्रैक्टिकल स्टोर जब आपके सामने क्रिएट होगा, आपको हर सेटिंग का ब्रीफली पता चल जाएगा कि ये किस तरह वर्क करती है। तो इस सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम ये वाली सेटिंग्स देखेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।